हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डिजाइनर वसुना में। तो फ्रेंड, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हैवी साइज़ की कुर्ती में मैं किस तरीके से आर्म होल कट करती हूँ और कितने पे मैं बाजू अटैच करती हूँ। देखिए, ये है आर्म होल जिसको मैंने 6 इंच पर कट करा है। ये देखिए, हमारी जो कुर्ती का वेस्ट साइज़ है वो काफ़ी हैवी है, यानी कि 46 है। 46 का आधा हो गया 23, ठीक है। तो 23 वेस्ट साइज है, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर आर्म होल कट करा है 6 इंच। आप ये ध्यान रखें कि जब आप आर्म होल करें वो 6 रखें, ठीक है। 6 से कम हो जाए चलेगा, लेकिन 6 से बिल्कुल भी ज़्यादा ना हो। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर आर्म होल कट कर लिया है। फ्रंट साइड है ये। अब मैं ये देखिए, ये फ्रंट साइड है। अब मैं इसमें बाजू दिखाती हूँ, वो मैं कितने पर लगाती हूँ। तो ये है हमारी बाजू। देखिए, ये मैंने दोनों बाजू ले ली हैं, जिसको मैंने बीच में से सीधा साइड ले लिया है और दोनों तरफ उल्टा साइड, ठीक है। अब उसको इस तरीके से रख कर मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा कट लगाने वाली हूँ, ठीक है। फ्रंट साइड में ये जो हमारा कट आएगा वो यहाँ पर फ्रंट साइड में आएगा। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कट लगा लिया है। तो फ्रेंड, ये मैंने यहाँ पर अपनी दोनों बाजू ले ली हैं और उसमें मैंने कट भी लगा लिया है। तो ये देखिए, ये मैंने इसमें से एक बाजू ले ली है, जिसको मैं आपको अटैच करके दिखाऊंगी। देखिए, बाजू की जो लंबाई मैंने ली है वो टोटल 4 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा करके 6 इंच। तो मैंने यहाँ पर 6 इंच का फैब्रिक ले लिया बाजू कट करके। अब बाजू को हम इस तरीके से करके तब हम यहाँ पर इसमें फिटिंग लगाएंगे। बहुत आसान सा तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इस तरीके से बाजू लगाइए, बहुत ही कम टाइम में आप आसानी से बाजू लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड, हमें बाजू को कुछ इस तरीके से यहाँ पर रखना है। ये मैंने कुर्ती का फ्रंट साइड ले लिया है और ये बाजू का। अब मैं यहाँ पर इसमें फिटिंग लगाऊंगी। तो हमारी कुर्ती में जो सीना है वो 46 है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर बाजू में फिटिंग दे रही हूँ। तो फ्रंट में जो बाजू की फिटिंग है वो मैं यहाँ पर 8 इंच रखने वाली हूँ, और बैक में यहाँ पर बाजू की फिटिंग। तो अगर आपकी कुर्ती में ब्रेस्ट साइज 44 से लेकर 46 इंच तक है, ठीक है, तब आपको कुर्ती बाजू में जो फिटिंग देनी है वो पीछे की साइड, बगल की साइड 8.5 इंच पर देनी है। देखिए, कुछ इस तरीके से मैं अब यहाँ पर फिटिंग देने वाली हूँ। तो ये जो फिटिंग मैं दे रही हूँ वो 8.5 इंच पर दे रही हूँ, ठीक है। आपको कम और ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप 8.5 इंच पर फिटिंग लगाकर तब आप बाजू लगाकर देखिए, हमेशा आपकी बाजू वो अच्छी फिटिंग के साथ लगकर तैयार होगी। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से इस पर सिलाई लगा दी है और अब मैं इसको इसमें ज्वाइन करूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से बाजू को रख लिया है। दोनों में जो कट का निशान है वो फ्रंट साइड पर आना चाहिए। अब ये इस तरीके से आर्म होल के बीच का हिस्सा ले लिया है और बाजू के भी बीच का हिस्सा हमें यहाँ पर लेना है। तो बाजू लगाते टाइम इस तरीके से अगर आप बाजू लगा रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखें कि आर्म होल जो है उसको नीचे की साइड रखें और जो बाजू का फैब्रिक है उसको ऊपर की साइड रखें, तब आप बाजू लगाएं। उल्टा ना करें कि आर्म होल ऊपर ले लें और बाजू का साइड नीचे कर दें, ऐसा ना करें। जिस तरीके से मैंने आपको बताया इस तरीके से ही रखें, ये देखिए। और अब मैं इसमें बाजू अटैच करूँगी। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जब आप बाजू अटैच करें तो जो आर्म होल का फैब्रिक है उसको उसी तरीके से रहने दें और जो उसके ऊपर बाजू का जो फैब्रिक है उसको हल्का हल्का सा खींचते जाएं। देखिए, आर्म होल का जो फैब्रिक है हमें उसको बिल्कुल भी नहीं खींचना है, सिर्फ बाजू का फैब्रिक है उसको ही थोड़ा थोड़ा खींचते जाएँ। और इस तरीके से हम यहाँ पर बाजू लगा लेंगे। अगर आप इस तरीके से बाजू लगाते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी आप बाजू लगा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर बाजू की पूरी स्टिचिंग कर ली है और उसमें किनारे किनारे में एक और सिलाई लगा दे रही हूँ, जिससे हमारा फैब्रिक अच्छे से दब जाए। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारी बाजू कुछ इस तरीके से लगकर तैयार है। मैं अभी आपको इसको सीधा करके भी दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए, कहीं पर भी मेरी जो बाजू लगाई है उसमें ना तो कहीं पर लूजिंग है, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से बाजू लगकर तैयार है। मैं सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी बाजू लगा लूँगी। ये देखिए, तो मैंने ये फैब्रिक ले लिया है, उसको इस तरीके से फोल्ड करके और अब मैं यहाँ पर फिटिंग लगाऊंगी। तो फ्रंट में मैं फिटिंग लगाऊंगी वो 8 इंच और बैक में 8.5 इंच पर, ठीक है। बैक की फिटिंग का आपको बहुत ध्यान देना है। बैक पर जो फिटिंग लगाएं इस ब्रेस्ट साइज़ में, यानी कि 44 से 46 के बीच तक अगर कुर्ती में ब्रेस्ट साइज़ है तो बैक में जो फिटिंग लगानी है वो हमें यहाँ पर 8.5 इंच पर ही लगानी है। कम और ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं सेम आप दूसरी बाजू भी अटैच कर दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, इसमें भी मैंने फ्रंट साइड ले लिया, दोनों साइड में छांटे देखिए। और अब इसको बीच में से इस तरीके से रखते हुए
सेम वही, देखिए बिल्कुल बीच में से जो बगल की साइड है यानी कि बगल के जो निशान है वहाँ से सिलते हुए जाना है। और ये जो मैं बाजू लगा रही हूँ वो खुली हुई वाली बाजू नहीं है, देखिए बंद बाजू है वो मैं अटैच करती हूँ। अगर आप इस तरीके से बंद बाजू कुर्ती में लगाएंगे तो फ्रेंड ध्यान रखिए हमेशा बाजू की जो फिटिंग है वो अच्छी ही आएगी। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो जरा ही पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो ये देखिए ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से बाजू लाकर तैयार